गाइस वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शायद हो अच्छी वाली, बिकॉज मैंने वेदर पे चेक किया था कि आज बारिश नहीं होगी आज से, ठीक है। तो आई होप ऐसा ही हो कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश में 4-5 दिनों से बहुत परेशान किया हुआ है ना। जॉब आते आते गिल्ले कलम घूमने गए थे, वहां भी बहुत इश्यू हो गया था, बहुत ज्यादा बारिश ने परेशान किया हुआ है। तो फाइनली लगता है आज से हम नॉर्मली घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और अंजलि वैसे खाना बना रही है, चलो बनाने देते हैं उसको। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि शादी से पहले ना लड़का ना अपने आप को सलमान खान से कम नहीं समझता, मैं सही बात बता रहा हूँ आप लोगों, है ना। और जो लड़की होती है ना, नहीं जो कोई लड़की होती है ना, वो भी यही समझती है कि भाई लड़का सलमान खान ही है, ठीक है। मतलब गलत नहीं होता लड़का ना, गलत नहीं होता जी, लड़का सही सोचता है, कोई लड़की भी सही सोचती है। बट उस लड़के के साथ पता है क्या होता है, उसकी औकात जो होती है वो आलू की जरा हो जाती है, है ना। कभी 20 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो, और कभी 100 का 12 किलो। तो अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में पता है आपको, 100 का 10-10 किलो भी दे रहे हैं, 12 किलो भी दे रहे हैं, साइज के अनुसार चल रहा है। चलो आलू की बात छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आलू वाली हालत हो गई है, मतलब हो जाती है, मेरी नहीं हुई है, सॉरी गलती से निकल गया था मुंह से, तो हो जाती है, ठीक है। वैसे ना कभी ना एक टाइम होता है बंदे की ना टमाटर वाले भी औकात रहती है, भाई टमाटर ना 20-30 रुपए किलो तो रहता ही रहता है, बढ़िया टमाटर 40 रुपए किलो से कम नहीं बिकता, क्या सीजन कोई भी हो, है ना। वो गुलशन टमाटर शायद बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चलो हम तो अपने आप को टमाटर समझते हैं, सलमान खान टमाटर इक्वल, है ना। बट कुछ लोग आलू वाली औकात कर देते हैं शादी के बाद, आलू ले आओ, है ना, नमक ले आओ, यही सब होने लगता है। चलो मैं किसी और का दुख किसको सुनाऊं, मेरा दुख नहीं है, गलत फहमी में मत रहना आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ, ठीक है। तो चलो लोगों की तो गलतफहमी और जो दुख है वो मुझे सुनाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा काम यही है। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। मैं ना आप लोगों से एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ना गुस्से में खाना बनाते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया बनता है, है ना। बट कुछ लोग गुस्से में जो खाना बनाते हैं ना, तो मतलब कि कांड हो जाता है उसमें, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। वीडियो में बता रहे हो या मुझे? नहीं अंजलि, मैं तो जस्ट जेन्युइन लोगों की बात कर रहा था, तुम बनाओ ना खाना, मैं बाद में मिलता हूँ फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने कमेंट्स में ये देखा था कि ऑफिस वाले टूर में मैं नहीं थी, तो उसमें ना होने का रीजन ये था कि हमारे बीच लड़ाई हो गया था। और इवनिंग में भी जब ये ब्लॉगिंग कर रहे थे यहाँ पे रूम पे, तो मेरे बारे इन्होंने बताया ही था कि मैं खाना बना रही थी, लेकिन ये एक बार भी वहां पे नहीं आए ब्लॉगिंग करने के लिए कि हाँ ये क्या क्या बना रही है, कुछ भी नहीं बनाया, जबकि इनका फेवरेट मैंने बनाया हुआ था उस दिन। और इनके ऑफिस वाले ब्लॉग में तो वैसे भी ऑफिस में सिर्फ यही होंगे, बस जो था घर का ही था, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि इन्होंने ऑफिस का टूर बनाया हुआ है। वैसे आप टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है, लड़ाई सिर्फ उसी दिन की थी, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं लगा कि लड़ाई हुई किस चीज के लिए थी, सुबह में या खुद ही अपने आप ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मुंह फुला के इधर उधर कर रहे, मैंने भी फिर छोड़ दिया, बस यही था, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब बता दो कि लड़ाई क्यों हुआ था, वनी क्यों नहीं बोल रहे थे? मुझे भी नहीं याद है, तुम्हें नहीं याद है तो मुझे भी नहीं याद। लेट उठने की वजह से? नहीं मुझे याद ही नहीं। क्यों नहीं याद है? खुद को अगर लग रहा हो कि कुछ हुआ है तो बता दीजिए। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि कोई भी चीज ना लड़ाई का रीजन हो, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा था। बस ठीक है, अच्छी बात। हाँ तो फिर बस ठीक है, अच्छी बात। तो छोड़ते हैं अब कल की बात, अभी पे आते हैं कि अभी हमारा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और मैं फर्स्ट हूँ आज, जल्दी से रेडी होगी। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम रूम पे आ चुके हैं जॉब से फ्री होकर के, और यहाँ पे देख सकते हो ये सब सारा कुछ उधेड़बुन किया हुआ है अंजलि ने,
बिकॉज वो कपड़े धोने जा रही है और बेडशीट वगैरह सारा कुछ चेंज कर रही है, तो देख रहे हो सारा कुछ रूम मेरा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो सही बात यह है कि कल काफी सारे कमेंट आए थे कि अंजलि जी ब्लॉग में नहीं है, अंजलि जी ब्लॉग में नहीं है। तो मैं उसका रीजन फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। उसका रीजन ये था कि अंजलि लेट से सो करके उठ रही थी और मुझे ना गुस्सा आ रहा था, बिकॉज जब मैं लेट होने लगता हूँ ना जॉब पे जाने के लिए तो अब उनकी हिल जाती है थोड़ी सी। सही बात तो ये है। तो कल क्या हुआ कि मुझे जॉब पे जाना था, मैं उठ करके मैं रेडी हो रहा हूँ, अंजलि हिल ही नहीं रही, ऐसे करके पड़ी हुई है ना। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कहूँ क्या इसको, वैसे इसे दिखना चाहिए। तो मेरे और अंजलि में सिर्फ यही एक कारण है कि हमारी बात नहीं होती। फिर उस दिन मुझे गुस्सा आता, मैं बात नहीं करता इससे, ठीक है, क्योंकि मैं लेट होने लगता हूँ। आज सुबह फिर से एक टॉपिक हुआ था छोटा सा, मैं लेट हो रहा हूँ, इसने फोन पकड़ा हुआ है, मैंने इसको डांट दिया, ठीक है, तो फिर फटाफट तैयार होगी और फिर मैं टाइम पे पहुंचा, ठीक है। तो ये बात है जो मेन रीजन है। तो मैं थोड़ा सा ये बैट बुक ठीक कर लूं, फिर मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में फ्रेश होकर। मैं उठती नहीं हूं। हाँ आगे देख लो मिर्ची लगी थी, बैठो बैठो आजो आजो। हाँ हाँ बोलो। ओ माय गॉड, इधर रोटियां बन रही हैं फ्रेंड्स हमारी, मुंह कहाँ छुपा रही हूँ, बाप रे बाप। ये रात में अगर कोई देख लेगा बाहर निकल गई तो किसी को अटैक नहीं आ जाएगा हैं? ये क्या लगा लिया है तुमने, बताओ जरा, बाप रे बाप। लाल और मिट्टी कलर का ये क्या है, नहीं बोलेगी तुम हैं? नहीं बोलेगी? मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि जब बड़े पूछे तो जवाब देना चाहिए हैं? नहीं सिखाया तुम्हें? सिर्फ मुंडी हिला रही है, मुंह में जबान नहीं है तुम्हारे दफा हो जाओ। मुंह में जबान नहीं है अभी इसके, एक्चुअली बोल नहीं रही है ना। तो ओके, सो फाइनली देखो ये सारा कुछ कंप्लीट किया, ये सब नीट क्लीन है ना। अंजलि ने भी कपड़े कुपड़े धोके सारा कुछ फ्रेश कर लिया है, और क्योंकि सारा कुछ काम इतना ज्यादा इकट्ठा इसलिए हो गया था कि हफ्ते दिन से तो बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण सारा रूम त्रस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, कि इधर पैंट गिल्ली पड़ी है, कभी जैकेट गिल्ली पड़ी है। सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज से धूप होने लगी है तो सारे कपड़े छत पे डाल करके कल एकदम मस्ती से सूखेंगे। अंजलि आज सुबह में कह तो रही थी कि कल वाले कमेंट में बहुत ज्यादा सभी पूछ रहे थे कि अंजलि जी कहाँ है, अंजलि जी कहाँ है। तो अंजलि जी कैसा लग रहा है आपको, मतलब ज्यादा खुश तो नहीं हो गई? हमें तो लग रहा है बहुत खुश हो गई है कि हमें इतना लोग याद करते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन ब्लॉगिंग छोड़ के कोने में चला जाऊंगा, उस दिन देखता हूँ मेरे लिए कितने कमेंट आते हैं। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछोगे आप लोग? अरे तुम्हें क्या पता इस चेहरे पे कितने लोग मरते हैं अभी भी। आज वैसे ही मेरे को कॉम्प्लीमेंट सी मिली है कि सर आप दिन पर दिन जवान होते जा रहे हो। मैं कहा यही हमारी खूबी है। आप वैम्पायर तो नहीं हो? हम वैम्पायर ही हैं। तो एक बात बोलूं आप लोगों से, हमारी वाली दुनिया में ना मतलब कि जानवरों को ना धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी है। मतलब अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं आ रहा था रास्ते से, ठीक है, तो हुआ यूं कि एक चूहा था बेचारा रोड पे ऐसे ऐसे टुबुक टुबुक कर रहा था, उन्हें बचने की कोशिश कर रहा था गाड़ियों के बीच से कि मुझे कहीं रास्ता मिल जाए, मैं कहीं अपने घर चला जाऊं, ठीक है। तो बहुत उसे दिक्कत हुई, मतलब मैं आते हुए देख रहा था। वैसे लोग चूहों से ज्यादा इतनी लगाव रखते नहीं है, चूहों को तो बस निकाल दो, मार दो और दवाइयां खिला दो, बड़ा कुछ कर दो, मतलब सभी करते हैं, शायद मैंने भी किया है ना, मतलब पिंजरे लगा दो ऐसा कुछ करते हैं। तो होता यूं है कि जो हम इंसान है ना, जैसे कि जंगलों में घुसते जा रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, पेड़ कटिंग कर रहे हैं, जंगल हटा रहे हैं, है ना। तो इस कारण से क्या है कि मतलब जो पशु पक्षी वगैरह जो भी जानवर है छोटे मोटे, वो तो घुसेंगे, अब लोगों को तो परेशान करेंगे। तो मैंने आज एक चूहे को देखा यार, वो बेचारा बहुत परेशान था यार सड़क पे, मतलब ना इधर उधर गाड़ी के चक्के के नीचे ना आ जाए। तो फाइनली उसे एक नाली जो गटर की होती है ना वो दिखी और उसमें कूद गया भड़ाक से, और भाई भाग गया, पता नहीं भाग गया या डूब गया उस नाले में, वो नहीं पता मुझे, और उसे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फ्रेंड्स मेरा काम खत्म हो गया है और रात के 10 बजने वाले हैं, और मनी बहुत मेरे को बोलते थे खुद नहाते नहीं, और मेरे को बोलते थे तुम भी नहीं नहाती,
अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि आज मैंने नहाया है। सदियों बाद नहाया तुमने? नहीं, रात में आज मैं नहाई हूँ क्योंकि काम बहुत सारा था। बारिश होने की वजह से कुछ सारा काम अधूरा था, सारे कपड़े गंदे थे, बेडशीट गंदे थे। अब मौसम ठीक हो गया तो सारा काम भी ख़त्म हो गया। मैं इधर ब्लॉग बना रही हूँ और वो अपने बाल सेट कर रहे हैं। देखिए ये बाल नहीं, ये खूबसूरत खूबसूरती का राज है जिसको संभाल के रखना पड़ता है। टकले इधर मुड़िए। टकला होगा तुम्हारा। इधर मुड़ना जरा सा। नहीं मुड़ूंगा अब मैं। अच्छा मनी। हाँ। कॉम्ब में कुछ फर्क लग रहा है आपको? तुम्हारा बकवास हो गया हो तो क्या मैं सो सकता हूँ? लेते जबकि एक मेरा ही घूमता है। तुम्हारा बकबक खत्म हो गया, मैं सो जाऊँ कि नहीं सोऊँ? नहीं सो, बस वहीं पे अपना फेस निहारते रहो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। नहाते धोते तो है नहीं, हफ्ते में एक दिन जाते हैं नहाने। आवाज नहीं आई, जलने की बू आ रही है मुझे, पता नहीं कुछ जल तो नहीं रहा। तो अभी वो तो मुड़ेंगे नहीं, तो व्लॉग हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।